ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, शील प्रभुपाद की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। चैतन्य चरितामृत जो हम कर रहे हैं शुरू से, वो काफ़ी पहले छूटा हुआ है, अर्थात उसका सीक्वेंस बहुत पहले छूटा है। हम थे पांचवें अध्याय के 34वें नंबर श्लोक पर, 34वां हो गया था, 35वें नंबर श्लोक से होगा। तो 34वें नंबर श्लोक पर हमने कहाँ समाप्त किया था कि जो अलग अलग प्रकार की मुक्तियाँ, बहुत प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं, सालोक्य सामीप्य साष्टी, और भक्तों को नहीं चाहिए वो सारी मुक्तियाँ भक्तों को नहीं चाहिए। फिर वैकुंठ धाम के बाहर जो प्रकाश होता है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ये सारी बातें चर्चा हुई थी हमारी। और अब कैसे भगवान को प्राप्त किया जाएगा, ये इस श्लोक में शुरू होता है जो भागवतम का श्लोक है। कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदघम हित्वा बहवस तदगतिम गता। यदि आप लोगों को पता नहीं चल रहा है तो पिछला एपिसोड देख लीजिएगा, और नहीं भी देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कैसे अलग अलग प्रकार के भक्त भगवान को प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेम ही चाहिए, प्रेम के सिवाय द्वेष से, काम से, और अलग अलग यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे कैसे भगवान को प्राप्त किया है भक्तों ने। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, और इसका अर्थ है कि जिस तरह भगवान की भक्ति से भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह कईयों ने अपने पाप पूर्ण कर्मों को त्याग कर तथा काम क्रोध भय या स्नेह के द्वारा मन को भगवान में लगाकर उसी गति को प्राप्त किया है। तो ये उदाहरण है, जैसे कंस था, कंस हमेशा भगवान के बारे में सोचता था मगर प्रेम से नहीं सोचता था, उसके अंदर भगवान के लिए क्रोध था या द्वेष था, भगवान को मारना चाहता था। इसी प्रकार गोपियाँ काम रखी थी, उनके हृदय में काम था जिससे भगवान को उन्होंने प्राप्त किया था। तो ये अलग अलग प्रकार है जिससे भगवान को प्राप्त किया है भक्तों ने पहले, और उसी गति को प्राप्त किया है। जहाँ यह कहा गया है कि भगवान के शत्रु तथा भक्त एक ही गति प्राप्त करते हैं, वहाँ इसका आशय यह है कि ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण अंततः एक ही है। इसे सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के दृष्टांत से समझा जा सकता है, जिसमें ब्रह्म सूर्य प्रकाश के समान है और स्वयं कृष्ण सूर्य जैसे हैं। तो अब मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बात कहा है कि चैतन्य चरितामृत के शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट फिलॉसफी है, कथा नहीं है, परंतु बाद में कथा आएगी, पर आप सुनते जाइए। तो ये उदाहरण आपने पहले कई बार सुना है कि भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है, वैसे ही जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है। तो सूर्य देवता हैं, सूर्य का लोक है, उनके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश है, सब सूर्य देवता के कारण है। इसी प्रकार भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है, उसी को कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो
तो भगवान अपने धाम में रहते हैं और उनके शरीर से प्रकाश निकलता है तो वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है। स्वयं भगवान का अपना एक आकार है तो वो साकार भगवान है। तो ये बस समझाने के लिए ये उदाहरण बता रहे हैं। कथा पांचवा अध्याय है। बहुत सुंदर वर्णन हुआ है पिछले श्लोकों में, कृष्ण की दो भुजाएं होती हैं, कृष्ण और नारायण में क्या अंतर है, इसका वर्णन हुआ था पहले। तो कैसे भगवान अलग अलग प्रकार से अपने आप को विस्तारित करते हैं, ये भी वर्णन हुआ था। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, आप सुनते जाइए। तो ये तो बहुत बार आप लोगों ने सुना है कि भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो भगवान का निराकार रूप हो या साकार रूप हो, दोनों एक ही भगवान का है, दोनों अलग अलग नहीं है। यदि भगवान को कोई निराकार समझ रहा है तो भी, कोई साकार समझ रहा है तो भी, वही भगवान है। भगवान वही है पर उनको समझ, हमारी समझ थोड़ी कम है या ज़्यादा है, इसलिए हम कभी कभी भगवान को साकार रूप में समझते हैं और कभी कभी निराकार रूप में समझते हैं। दो भगवान नहीं है, ठीक है, इतना ही समझना है यहाँ पे। इस तरह पर व्योम में आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। वैकुंठ लोकों के बाहर प्रकाश का निर्विशेष प्रतिबिंब प्रकट होता है। तो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, आध्यात्मिक आकाश है, भौतिक आकाश है। तो आध्यात्मिक आकाश में बहुत प्रकार की लीलाएं होते रहती हैं। आध्यात्मिक आकाश है, वहाँ वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, बहुत सारे धाम हैं जो अलग अलग प्रकार के भगवान के रूप, विभिन्न प्रकार के रूपों के लिए विभिन्न लोक हैं जिसमें भगवान रहते हैं। तो ये बहुत विशाल और अलग अलग प्रकार के विविधता से भरा हुआ है आध्यात्मिक जगत। और वैकुंठ लोकों के बाहर प्रकाश का निर्विशेष प्रतिबिंब प्रकट होता है। तो जो प्रकाश है वो प्रकाश लोक, किसी भी लोक के अंदर तो बहुत क्रियाएं चलते रहती हैं पर बाहर केवल प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है ना। सिंपल बात है समझना, कोई चीज़ है जैसे बल्ब है, कोई किसी जगह पर अगर 150 बल्ब लगा दिया जाए थोड़ा थोड़ा दूर पर और हर बल्ब से प्रकाश निकल रहा हो तो बाहर का जो एरिया है, मतलब बल्ब के बाहर का एरिया, वो पूरा प्रकाशमान हो जाएगा। तो बल्ब जो है, उस बल्ब के अंदर कुछ भी अगर है जो बल्ब को आप बुझे हुए में देखते हैं तो कुछ दिखता है ना, तार वगैरह दिखता है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें बाहर प्रकाश में नहीं दिखती। इसी प्रकार वैकुंठ लोक या गोलोक धाम के अंदर जो लीलाएं चलते रहती हैं भगवान और उनके भक्तों के बीच में, वो प्रकाश में नहीं दिखाई देती है। जैसे कि अभी मान लीजिए एक ये बल्ब है, एक ये बल्ब है, ऐसे 10-20 बल्ब है और हर बल्ब का प्रकाश बाहर आ रहा है तो बाहर का एरिया पूरा प्रकाशमान रहेगा, परंतु बल्ब के अंदर कुछ और है जो बाहर वाले व्यक्ति को दिखाई भी नहीं देगा और उसका अनुभव भी नहीं होगा। इसी प्रकार एक वैकुंठ लोक ऐसे अनेकों वैकुंठ लोक आकाश में तैरते रहते हैं, गोलोक धाम भी सब तैरते रहते हैं। उसके अंदर जो प्रवेश करते हैं उनको भगवान, भगवान के सब पार्षद, उनकी लीलाएं, ये सब दिखाई देती हैं। लेकिन जो दूर से देखते हैं उनको सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है। जैसे अभी आप सोचिए, रात को आप ऊपर छत पे देखिए, छत से ऊपर आकाश में देखिए, आपको क्या दिखाई देगा? बहुत सारे प्रकाश हैं जिसको हम तारे कहते हैं। वो तारे 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 गिन नहीं सकते हैं, बहुत दूर पे हैं, ना उनको हम पहचान सकते हैं, ना उनको हम गिन सकते हैं, ना हमें उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं, क्योंकि बहुत दूर है और बहुत दूर भी है और प्रकाश भी है।
तो कुछ भी समझ में नहीं आता। केवल क्या समझ में आता है, बहुत सारे प्रकाश के चिन्ह हैं, बिंदु हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब नजदीक जाइएगा तो उसके अंदर उस वो जो जगह है, वो जो धाम है या वैकुंठ है या प्लैनेट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत क्रियाएं चलती हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी रहते हैं, लीलाएं चलती हैं, या दुख तकलीफ है, भगवान है, जीवात्मा है, तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती हैं, है ना। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रकाश है। ये तो भौतिक जगत है, तो आध्यात्मिक जगत में जो वैकुंठ लोक हैं अनेकों, उस उन सारे वैकुंठ लोकों में क्या चल रहा है ये दिखाई नहीं देता है बाहर से किसी को। क्या दिखाई देता है? केवल प्रकाश, जिसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ठीक है, निर्विशेष ब्रह्म तेज में केवल भगवान की तेजोमय किरणें होती हैं। जो लोग सायुज्य मुक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं वे उस तेज में लीन हो जाते हैं। जिनको सायुज्य मुक्ति पाने की इच्छा है या उनको कुछ पता भी नहीं है लेकिन वो भगवान को देखते हुए शरीर त्यागते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो फिर उस प्रकाश में चले जाते हैं। तमो क्षेत्र के परे सिद्ध लोक का क्षेत्र स्थित है, वहाँ पर सिद्धगण ब्रह्मानंद में मग्न होकर निवास करते हैं। भगवान के द्वारा मारे गए असुर भी उसी लोक को प्राप्त होते हैं। ये देखिए, कुछ जैसे शिशुपाल को भगवान ने मार दिया, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, पुतना, ऐसे अनेकों असुरों को भगवान ने मारा, है ना। तो ये जो जिन असुरों को भगवान मारते हैं डायरेक्टली, वो भौतिक दुनिया में फिर नहीं रहते हैं, या तो मुक्ति प्राप्त करते हैं, कोई किसी प्रकार की मुक्ति प्राप्त करेंगे, या तो कुछ उनकी गति विशेष होती है। जैसे पूतना को तो भगवान ने यशोदा माता की तरह स्थान दे दिया, क्योंकि दूध पिलाया था उसने, हालांकि उसका विचार बहुत खराब था, फिर भी कृपालु है भगवान इसलिए उनको दाईमा बना दिया। पर बाकी जो असुर मारे गए, जैसे अघासुर है, बकासुर है, तृणावर्त है, या शकटासुर है, ऐसे बहुत बचपन में भगवान ने बहुत सारे असुरों का वध किया, तो वो सारे असुर उस समय जिस समय वध होता था ऐसा दिखाई देता है कि वो भगवान के शरीर में आके प्रवेश कर गया। उसकी आत्मा निकलती है एक ज्योति और वो भगवान के शरीर में आके प्रवेश कर जाती है, पर वास्तव में भगवान के शरीर में नहीं आके प्रवेश होती है, वो भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश जो है ना वहाँ पे जाकर रेस्ट लेती है। करोड़ों करोड़ों साल तक वहाँ पे वो आत्मा आराम करती है, तो असुर की ये गति होती है। और भौतिक ब्रह्मांड के परे एक एरिया है या क्षेत्र है, इसको कहते हैं सिद्ध लोक। ऐसे सिद्ध चारण ऐसे नाम है ना, ये सिद्ध लोक है जहाँ पे सिद्ध पुरुष रहते हैं, आप समझ सकते हैं। तो वो क्षेत्र में जाके वो लोग बस कण के रूप में स्थिर रहते हैं। भौतिक ब्रह्मांड के परे है ये जो हमारा भौतिक ब्रह्मांड है, इसके बाहर का एरिया है, बाहर का लोक है, इसको सिद्ध लोक कहते हैं। एक सिद्ध गंधर्व चारण सिद्ध ये अंदर भी रहते हैं, पर यहाँ जो बात हो रही है ये हो रही है बात भौतिक ब्रह्मांड के परे, यानी भौतिक ब्रह्मांड के बाहर। उस पर व्योम में नारायण के चारों ओर द्वारका के चतुर्व्यूह के द्वितीय अंश रहते हैं। तो कृष्ण का धाम है, कृष्ण का धाम, भगवान का धाम जो है ना, उसमें जितना लोक है, जितना लीला क्षेत्र है, वो सब उनके धाम में है, द्वारका भी है। तो परव्योम में कृष्ण धाम से द्वारका के चतुर्व्यूह की दूसरी अभिव्यक्ति होती है। ये सारे रूप आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं।
इन रूपों में श्री बलदेव महासंकर्षण के रूप में प्रदर्शित होते हैं। पर व्योम के सारे कार्य शुद्ध अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। वे छह दिव्य ऐश्वर्यों में विस्तार करते हैं और वे सभी महासंकर्षण की अभिव्यक्तियां हैं जो समस्त जीवों के उद्गम तथा लक्ष्य हैं। तो देखिए बहुत डिफिकल्ट है, मैंने कहा ना आपको बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमको छोड़ के पढ़ना नहीं है, इसलिए सुनना है आपको, ये कथा सुननी है। चतुर्व्यूह उसको कहते हैं जो भगवान के बलराम जी के या संकर्षण से निकलते हैं, चार चार नाम होता है उनका, हाँ, प्रद्युम्न वसुदेव, प्रद्युम्न संकर्षण और अनिरुद्ध। तो ये चतुर्व्यूह अलग अलग एक ही बार नहीं होते हैं, अलग अलग सेट है, सेट चतुर्व्यूह का एक चारों का मिला हुआ होता है एक रूप, उनकी सेवाएं होती हैं। तो छह दिव्य ऐश्वर्यों में विस्तार करते हैं और वैसे भी महासंकर्षण की, अभी महासंकर्षण मतलब बलराम जी, या तो संकर्षण भी समझ सकते हैं। तो आध्यात्मिक स्फुलिंग जिन्हें जीव कहा जाता है, यद्यपि जीव शक्ति नामक, तो हम इसमें पढ़ेंगे अगर, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं सीधे आपको अगला श्लोक के ऊपर ले जाती हूँ, वहाँ पे भी चतुर्व्यूह का वर्णन है। वासुदेव संकर्षण प्रत्युम्न अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्व्यूह ए तुरीय विशुद्ध। तो द्वितीय चतुर्व्यूह में ये चारों फिर से आते हैं, एक बार पहली बार चतुर्व्यूह होता है, दूसरे बार फिर से द्वितीय चतुर्व्यूह होता है, जिसमें वासुदेव संकर्षण प्रत्युम्न और अनिरुद्ध आते हैं और वो दिव्य हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि माता जी हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तो ये तो समझाएंगे तो ये तो बहुत विशाल है, समुद्र है। तो जो मैं डायग्राम बनाती हूँ ना, उसको देख के आप समझिएगा बाद में, पहले भी बताया है, फिर से बताती हूँ। तो वहाँ पर बलराम का साकार स्वरूप महासंकर्षण कहलाता है, जो आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय है, वह मूल कारण है, अर्थात समस्त कारणों का कारण। तो बलराम जी से ही, बलराम जी को महासंकर्षण कहते हैं और उनसे ही चतुर्व्यूह निकलता है, पहला भी दूसरा भी उनसे ही निकलता है। चतुर्व्यूह क्या है? चतुर्व्यूह मतलब भगवान का ये रूप है जिसमें चार होते हैं, चार दिशाओं में चार खड़े रहते हैं, नाम है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अगर आपको डिटेल में जानना है तो कोशिश कर सकते हैं आप, ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 41 को मैंने पढ़ा, तो आपको मर्जी है तो आप पढ़ के देख सकते हैं, क्योंकि ये इतना लंबा है कि मुश्किल है इसके ऊपर, ये तो एक क्या 4-5 क्लास 10 क्लास में ख़त्म होगा, इतना बड़ा है। 41 का और पोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो जब मैं इसी चीज़ को डायग्राम बना के बताऊँगी तो आप समझ जाएंगे आसानी से, पहले भी बताया है मैंने, शायद होगा भी बना हुआ। तो आध्यात्मिक शक्ति की लीलाओं का एक नाम विशुद्ध सत्व है, इसमें सारे वैकुंठ धाम सम्मिलित रहते हैं। विशुद्ध सत्व आध्यात्मिक शक्ति की लीलाओं का एक नाम है विशुद्ध सत्व, जिसमें सारे वैकुंठ धाम सम्मिलित रहते हैं। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, एक लाइन का भी परपोट प्रभुपाद ने नहीं लिखा है, और जब प्रभुपाद ने परपोट नहीं लिखा है तो मैं उसमें अपने मन से कैसे बना के कुछ भी बोलूँ आपको, इसलिए आप सिर्फ सुन लीजिए। छहों ऐश्वर्य आध्यात्मिक हैं, इससे निश्चय जानो कि ये सब संकर्षण के ऐश्वर्य की अभिव्यक्तियाँ हैं। एक तटस्था शक्ति है जो जीव कहलाती है, महासंकर्षण समस्त जीवों के आश्रय है, किसी में परपोट नहीं है। संकर्षण मूल आश्रय है, वह पुरुष है जिससे यह जगत उत्पन्न होता है और जिसमें विलीन हो जाता है। वह संकर्षण सबों का आश्रय है, वह हर प्रकार से अद्भुत है और उसका ऐश्वर्य अपार है, यहाँ तक कि अनंत भी उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। यह दिव्य शुद्ध सत्व संकर्षण नित्यानंद या बलराम जी का अंश है। मैंने 8वें श्लोक का संक्षिप्त वर्णन किया है, अब कृपा करके ध्यान पूर्वक 9वें श्लोक की व्याख्या सुनिए।
ये सब लिखने वाले जो हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो लिख रहे हैं। तो मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों को पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश स्वरूप कारण सागर में लेटे हुए कारणों दक्षाए विष्णु आदि पुरुष हैं, मायापति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। वैकुंठ लोक के बाहर निर्विशेष ब्रह्म तेज है और यह तेज कारणार्णव या कारण सागर कहलाता है। देखिए कितना मुश्किल है समझना। लीला नहीं है, लीला आसान होता है, ये समझना सच में मुश्किल है, पर फिर भी आपको बहुत कुछ समझ में आता है, चिंता मत करिए। तो आज की कथा यहीं समाप्त होगी। सुन लीजिए, बुक है तो पढ़ लीजिए, रिपोर्ट पढ़ लीजिए। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो प्रश्न पूछिए, फ़ोन करके प्रश्न पूछिए, क्योंकि जब तक मैं इसको डायग्राम बना के नहीं बताऊंगी समझ में नहीं आएगा। डायग्राम बना के मैं बताऊंगी वापस एक बार, पहले बताया है और फिर से बताऊंगी अगर लगा तो। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िए सुनिए और जितना समझ में आता है उतना में ही खुश रहिए, क्योंकि भगवान की चीज़ें मनुष्यों के समझ के परे हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।